पीडब्ल्यू कोटा विद्यापीठ ऑफलाइन सेंटर में जो फर्स्ट फेज के स्टूडेंट्स थे उनका जो ओरिएंटेशन सेशन था वो आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो क्लासेज है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लगने लग जाएगी। तो आप लोगों को आज के इस ओरिएंटेशन सेशन का पूरा व्यू मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार का वहाँ पर सीन था, और इसके अलावा स्टूडेंट्स का आज के इस ओरिएंटेशन सेशन के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आज का जो सेशन था ओरिएंटेशन वाले बच्चों का, उसमें बच्चों को अलग अलग फैकल्टीज़ ने अलग अलग रूम्स के अंदर जो था वो मोटिवेट किया, गाइड किया किस प्रकार की प्लानिंग उनकी नीट और जेईई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए कोटा जानकारी, ताकि आपको मिल सके कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था, लाइक सर ने पूरा शेड्यूल और ये सब बताया कि हम लोगों को मतलब स्मूथली कैसे करना है बिना स्ट्रेस के, हम लोगों को कैसे नीट की तैयारी करनी है, क्या रूटीन होगा, क्या हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, सर हमारे साथ कैसे रहेंगे, तो बहुत एक पॉजिटिव होप मिला कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ वैष्णो सिंह एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा संबलपुर। आज का ओरिएंटेशन अच्छा था, पर हमें अभी तक बैच अलॉट नहीं हुए, टीचर्स ने गाइड किया हमें अच्छी तरह से, वो बताए कि मतलब 7 से क्लास स्टार्ट होंगी और बैचेस हमें जल्दी मिल जाएंगे और मैसेज भी आ जाएंगे। Myself आयुषी सिंह, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड आज हमारा ओरिएंटेशन था, मीन्स अभी हमको बैच अलाउड नहीं हुए हैं, बट सर का कहना है कि कल तक हमको मैसेज आ जाएगा, एंड आज का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशन मिला एंड थैंक यू। अभी हमारा ओरिएंटेशन, यहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए आए थे, ओरिएंटेशन पूरा हो गया, ओरिएंटेशन में सब कुछ बता दिया लेकिन वाईफाई का पासवर्ड नहीं बताया बस।